आज जोगिंदर के घर में कदम रखते ही मनहूसियत सी लग रही है। अब क्या ही कर सकते हैं, अंदर जाके माहौल समझते हैं। कम ऑन बेटी, बेस लास्ट पॉपर्ट बेस पर बेस और क्या कॉस थीटा टेन थीटा जोगिंदर मीठा। हाँ ओ, क्या बात है बेटा, आज दोनों मेरे बिना बोले ही पढ़ने बैठ गए। तेजिंदर अंकल ने बारूद भरा पिछवाड़े में की अंगारे। अरे सर अपने घटिया जोक्स बाद में मानना, मेरे चूतर फड़फड़ा रहे हैं घबराहट से। सर वो मैथ्स का एग्जाम है ना बस थोड़े दिन बाद। क्या बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था बेटा। बेटा मैं तो पिछले 6 महीने से बेटा झक मरा रहा हूँ तुम्हारे घर पे आके। बेटा सर ये टाइम हमें ताने मारने का नहीं है सर। बेटा ताने क्यों मारूंगा बेटा, तुम्हें तो चांटे मारने चाहिए। तुम दोनों ठन ठन गोपाल हो, अनपढ़ जाहिल। सर मुझे मेरी किस्मत पर ऐसी भरोसा नहीं है, आप और आके डीमोटिवेट कर दो। डीमोटिवेट मेरा बस चले ना, तुम दोनों को चौराहे पे नंगा करके मारूं। पूरा साल तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाने में निकाल दिया। इसमें आपकी शक्ल की गलती है। शक्ल ना बेटा, ऊपर वाला बनाता है सबकी। जैसी बनाई थी वैसी आपने रहने कहा दी, आड़े टेढ़े मुंह बना के आपने नक्शा बिगाड़ लिया। शेर ठंडा हो जा, आज जरा सर की सुन ले, सर की सुन ले, अपनी अटकी हुई है। बेटा सर कुछ नहीं सुना रहे बेटा है। सर ये वाले चैप्टर से लेके ये वाले चैप्टर तक 12 चैप्टर समझा दो बस। अबे ये तो पूरा सिलेबस है। हाँ हाँ यही बस। पूरे साल भर में 4 बार सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूँ बेटा। और तुम दोनों तो वैसे भी सरप्राइज टेस्ट में चीटिंग करते, इसलिए दिमाग में कुछ घुसा नहीं। हाँ नहीं घुसा, मैं तो बंदर हूँ, मेरा ह्यूमन एवोल्यूशन ही नहीं हुआ। आप तो बस पढ़ा दो, मैं मन लगा के पढ़ लूंगा सर। इतना भाव खा रहा है साले चंपे, फीस हजम हो गई सारी। बेटा फीस हराम की नहीं ली है मैंने, फीस से ज्यादा पढ़ाया है मैंने तुम दोनों को। और तुम जैसों को पढ़ाने के लिए तुम लोगों का घर गिरवी रखवाना था मुझे, हराम घोरो। सर थू थू कर दो पुरानी बातों को सर, पढ़ा दो बस। औकात मत दिखाओ सर, पढ़ा दो सर। बेटा एग्जाम के 1 महीने पहले से बेटा सिर्फ डाउट्स क्लियर करता हूँ क्वेश्चंस के। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है बेटा तो वो बता दो, वो मैं क्लियर कर दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा बेटा। अरे हमें कैसे पता होगा कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का, जब तक हमने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा। फालतू बातें कर रहे हैं सर यार, ये मत कर। जोगिंदर देख रहे तू कैसे रंग बदल रहा है, ये पूरे साल भर भीगी बिल्ली बना रहा, ये शर्तें मत रख तू, मेरा अभी दिमाग खराब है। क्या 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 करेगा बेटा, बेटा टैंकर क्या करेगा बेटा, किसको धमकी दे रहा बेटा, 12 इंच के मुंडे। अभी कुछ नहीं करूंगा, अगर मैं फेल हो गया ना मैं। क्या क्या नहीं नहीं शमशेर शांत हो जा, शांत हो जा। अरे बोल ना बे, क्या करेगा तू, तू चुप रह बोल। अरे हाँ डरता होगा तेरे से, तेरे मुंह पे कालिक पोत के अपनी स्प्लेंडर के पीछे बांध दूंगा और पूरे शहर में घसीटूंगा तुझे। है? तू 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 फेल अपनी अपनी गलती से होगा, मैंने सब पढ़ाया है तुझे, बोल बोल मैंने पढ़ाया है ना। तो अब और पढ़ा दो, क्या जा रहा है। नखरे पे नखरे, हमारी शराफत हजम नहीं हो रही तुझे, तमीज इज्जत लज्जत एहतराम आबरू रहम से पेश आ रहे हैं और तू हम पे आग बूत रहा है सतीश। ओए चुप चुप चुप, व्हाट हैपेंड। आई नीड टू पास दिस टाइम सतीश सर, लुक इनटू माय आईज, व्हाट डू यू सी। फेलियर। मार दू जोगिंदर बोल। कांट यू सी पैशन इंस्पिरेशन मोटिवेशन डिवोशन एस्पिरेशन कॉन्स्टिपेशन। आई सी ओनली डिप्रेशन दैट यू विल गेट फेल्ड। नेगेटिव अप्रोच वाले आदमी तू, ट्यूटर है तू साले, तू लोगों के हाथ देख के उनकी किस्मत बताया कर। पहले बेटा मेरा वही काम था बेटा, तेरा हाथ दिखा। देखो देखो मेरा हाथ, आपका पिटना लिखा होगा मेरी लकीरों में, देखो। कुछ भी बेटा कुछ भी कहता है। क्या हुआ, हाथ वापस की दे दिया, लिखा है ना। हाँ साले बेटे तू दूर रह कर बेटे बस से। हाँ सर मैं मानता हूँ, मैंने पूरे साल भर बदमाशी करी, आवारा गर्दी करी, हुल्लाबाजी करी, फुकरापंती करी, चुलबटकी लोगों से मौज मस्ती करी। मैं भी मानता हूँ कि मैंने पूरा साल जिम में जाकर बर्बाद कर दिया, ईगो लिफ्टिंग करी, लौंडे पीटे, अपनी लड़ाई नहीं थी फिर भी अपनी बनाकर पीटा, जेल जाते जाते बचा, फिर जिसने रिपोर्ट डाली थी उसको पीटा, घर का कोई काम नहीं किया, घर पे सोता रहा, स्कूल गया तो बैंक पे निकल गया, जिस टाइम क्लास में रहा उस टाइम पे भी चुटुक चाले करता रहा, स्कूल में भी बिना बात के घेराघारी करी लौंडों की, कुटाई करी, ऑडिटोरियम की स्पीकर फोड़े, क्लास की ट्यूबलाइटें फोड़ी, विंडो पे पत्थर मार के कांच फोड़े। हम इतने रिग्रेट्स का बोझ लेके 8वें माले। बेटा सुसाइड नहीं बेटा, बेटा वो ऑप्शन ही नहीं है बेटा। अरे सुसाइड सुसाइड नहीं, हम बहुत ढीठ है, हम तो तड़प तड़प के मरेंगे, हम तो 8वें माले में पत्ते खेलते हैं, पत्ते वो भी पैसों पे। अबे जुआरियों सालों गेबले। सर हमें हमारी करतूतों पे शर्म अफसोस सब कुछ है, लेकिन जो हक दिया वो समेटा कैसे जाए, और मुंह दिया तो गीले बिस्तर पे लेटा कैसे जाए। अबे शमशेर टैंकर कैसी अजीब मिसालें देता है। अरे
क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? कुछ कुछ ही नहीं तेजिंदर सर, कुछ ही नहीं। पढ़ाई पापा पढ़ाई। STADYS स्टडीज। सतीश सर, इनकी परीक्षा है बस कुछ ही दिनों में, कैसी तैयारी है? तैयारी थोड़ी सी इनकी डामाडोल है। क्या मतलब? मेरा मतलब तेजेंद्र सर, इन्होंने पढ़ाई में साल भर ध्यान नहीं दिया, मैंने पढ़ाया और इन... चुप तुम। आप एग्जाम के चंद दिन पहले आकर हमारे पास बातें बनाएंगे और हम बातों में आ जाएंगे, हरगिज नहीं। मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ सर। सुनिए सतीश सर, आप हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं। सच्चाई केवल एक है कि परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आना चाहिए। आप तो हमारे घर पे बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि आपके स्टूडेंट्स के 90-95 नंबर आते हैं। अब क्या हो गया भाई, हवा निकल गई? वो जो स्टूडेंट्स थे उनमें दिमाग होता था ना, इनमें थोड़ी है। जोगिंदर और शमशेर जो है बहुत बुद्धिशाली है, बहुत समझदार है, तो इसलिए आप उनको कम मत हांकिए। अगर आज हम उनको हमारा बिजनेस चलाने को कह दें तो वो चलाएंगे नहीं, दौड़ा देंगे, बहुत तेज दौड़ा देंगे, समझे आप? मतलब आपने मुझे अपना बेटा मान लिया है ऑफिशियली, तेजिंदर पापा? हम जब बात कर रहे हो तो तू चुप बैठा कर शमशेर। पापा मेरी जान, हर दब रखना अब हाथ ये सर पर तुम। आई लव यू पापा, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मेरा प्यार क्या है आपके लिए। जोगिंदर बस मारो, नादान है वो, हम सबसे प्यार ही तो करता है तभी ऐसी हरकतें करता रहता है। पापा मेरी जान। एक लफ्ज आगे मत निकालना, ठीक है? सर मैं पूरी कोशिश नहीं जीने की ख्वाहिश रखना, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी फेल होता है तो आपकी सांसों पे हमारा कब्जा पहले से ही है, ठीक है? चलते हैं। बेटा ये तुम्हारा बाप? हाँ हाँ हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा बाप, मेरा। सुबह उठने के बाद क्या धमकियां देने निकलता है बस घर से? पापा का कुछ मत बोलना। ए हटो हटो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। हाँ जी बोलिए। जी बेटा, मुझे पता था बेटा कि ये दिन जरूर आएगा जब आप सबको बता दोगे कि आपकी नसबंदी हो चुकी है। अरे सर मुझे तो पहले से पता है। अबे तू चटका वटका है क्या बे? ओके ओके, टॉप सीक्रेट। बेटा मुझे पता था बेटा कि तुम दोनों इस स्टेट पे आ जाओगे। जोगिंदर के पापा मेरे पापा जैसे हैं, लेकिन अगर मैं उनको पापा मानता हूँ तो जोगिंदर को मेरे पापा मानने से क्या प्रॉब्लम है? अबे चमन चटुए भोपा गेल पसोदे, वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं बाप भिखारी। बेटा ये रहे वो 30 क्वेश्चन जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकते हैं, इन्हें घोल के पी जाओ। जोगिंदर ये पेटे सर से ले ले और इसको भुरभुरा बारीक मिक्सर में पीस के ले आ, अपन पानी में घोल के पी जाएंगे। अरे बेटा सॉल्व करो इन्हें बेटा, यही सॉल्व करना, बस पास हो जाओगे, पास होने लायक है ये क्वेश्चन। अच्छा ओ सर, घबराहट हो रही है थोड़ी थोड़ी। जोगिंदर बेटा जोक सपाट, जोगिंदर बेटा तुम्हें पता है जब ट्रेन छूट जाती है और आप अपनी मंजिल से दूर हो जाते हो तो टैक्सी पकड़ना चाहिए। तो घबराना नहीं चाहिए बेटा, शायद वो मंजिल तुम्हारे लिए सही हो ही ना, है ना? तो अपनी मेहनत करो बेटा, दम लगा के करो, परिणाम जो है ना वो किस्मत पे छोड़ दो बेटा। जी सर। बेस्ट ऑफ लक, और 15,000 each मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बेटा तुरंत। है जी क्यों बेटा, ये 30 क्वेश्चन है ना बेटा, मैंने जुगाड़ से निकलवाए हैं तो मुझे ऊपर तक का पैसा भरना पड़ेगा बेटा जाके। अब तो आ गए हमारे पास, नहीं दे रहा है, चलो निकलो। मेरी बद्दुआ है दोनों के दोनों फेल हो गए, वो भी बुरी तरह से, सालों तुम्हारी शक्ल है पास होने वाली। चल हट यहाँ से, वरना मेरी लकीरों की बात अभी सच हो जाएगी। निकल निकल। अरे जोगिंदर वो एक क्वेश्चन था, तू तेजिंदर अंकल को पापा बुलाता है, अगर मैं अब्बू जान बुलाऊं तो चलेगा ना तेरे को? अब्बू जान, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, अब्बू जान। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सब का भी शमशेर जैसा एक कोई ना कोई दोस्त होगा जिसका घर में आना जाना घर वालों के लिए बिल्कुल घर का सदस्य जैसा होगा, तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ अपने स्कूल के एक्सपीरियंसेस जिस पे मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, और नेक्स्ट टॉपिक वीडियो का आपको क्या चाहिए वो भी बताओ कमेंट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।